नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको उत्तराखंड का वो हैंडीक्राफ्ट, वो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट दिखाने जा रहा हूं जो हम उत्तराखंडियों की पहचान है, हमारे कल्चर की, हमारे ट्रेडिशन की। ये एक नायाब नेमत है और अगर आप देखेंगे एक से एक बड़े जो हमारे क्राफ्ट हैं उनको यहाँ पर बनाया गया है। एक तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये हमारे आर्टिजन्स हैं जिनको स्किल किया गया है, ट्रेन किया गया है। उसके बाद ये जो ये रिंग, इसको हमारे यहाँ रिंगाल कहते हैं, इस रिंगाल से ये जंगल में होता है, इस रिंगाल से ही ये पूरे उत्पाद जो हमारे हैंडीक्राफ्ट है उनको बनाया जाता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसे हमारे स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ा गया है। और अगर आप देखेंगे ये एक बहुत पुराना हमारा जो ट्रेडिशन है उसको जीवित रखने की कोशिश की गई है। उत्तराखंड सेवा संस्था, हम इस वक्त थल में मौजूद हैं और राजेंद्र जी हैं, राजेंद्र पंत जी हैं, हमारे पंकज काकी हैं और मैडम जो को फाउंडर रही हैं इसकी। राजेंद्र जी, क्यों आपको लगा कि ये एक अच्छा मॉडल हो सकता है स्वरोजगार का, अपने ट्रेडिशन को भी बचाना, अपने क्राफ्ट को भी जिंदा रखना और अपने रॉ मटेरियल का जो यहाँ का उसको इस्तेमाल करना? सर, हमने जो शुरुआत 2009 में लाइवलीहुड से इंटरवेंशन शुरू किया था टाटा ट्रस्ट के थ्रू, तो उसमें हमने वेजिटेबल और मसाले इस तरह के काम शुरू किए थे। धीरे धीरे फिर हम हल्दी पे आए दूसरे तीसरे साल, क्योंकि जंगली जाम से जो खतरा होता था, हल्दी पे भी एक अच्छा रिजल्ट निकल गया है। और जो थर्ड फेज था उसका, उसमें तो कम्प्लीटली ये ज्ञान हो चुका था कि जितनी भी चीज़ें हम लोग फसल लगा रहे हैं कहीं कहीं जंगली जानवर से नुकसान हो रहा है। तो लिहाजा टाटा की टीम और हम लोगों ने मिलकर एक डिसीजन लिया, हम क्यों ना ऐसा काम करें जो मक्की ब्रूक खेती की जाए, जिसे पीक ऑफ फार्मिंग करके नाम दिया। उस चरण में हमने प्लांटेशन पे जोर दिया था, रिंगाल के प्लांटेशन, रिंगाल मतलब दो जगह, एक हाइटी में रिंगाल को जोड़ा, नीचे में बेम्बू को, उसके साथ अन्य प्लांट फाइबर के, शहतूत, बीमर, अखरोट, ऐसी चीज़ें जो हमारे पशुधन के लिए भी काम आए और हम उस पर कल के दिन में आए। थीम तो उसी समय हमारी डेवलप हुई थी कि हम इसमें ट्रेडिशनल कुछ ऐसे क्राफ्ट को जीवित रखेंगे, फिर इसमें एक छोटी सी स्टडी भी हुई। और कहा जाए तो इसका पहला जो आयाम था हमारा, जब हमने प्लांटेशन किया, प्लांटेशन में जो चार दीवारी होती है, एक घेराबंदी, वो पीक गार्ड करके, वो हमारा पहला कंसेप्ट, पन्नगर ने भी आगे उसकी स्टडी की, देखा, तो टीक ऑफ से फिर हमारा निकल के आया कि हम क्यों ना ट्रेडिशनल जो काम चल रहा है उसको भी करके आए। उसी समय फिर हम ट्रेडिशनल की ओर ध्यान दिए और फिर हम कई लोगों से मिले, ट्रेनर से मिले और छोटे से एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की और हमें लग गया था कि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप बहुत है। और फिर हमने पूरा मनोयोग लगा दिया, पूरी टीम का, पूरा मनोयोग आपका दिख भी रहा है, ऐसा नहीं है, पूरी टीम का प्रयास। अगर आपने जैसे कि मुझे बताया कि साहब इसको आपने तीन तरह से डिवाइड किया है, किचन प्रोडक्ट्स हैं, ऑफिस प्रोडक्ट्स हैं और जो अपने घर में के शोभा बढ़ाए, हेरिटेज को जिंदा रखे, तो कैसे, जैसे अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो जरा मुझे दिखाइए कि कौन सा किचन प्रोडक्ट है, कौन सा हेरिटेज के लिए है। किचन में, किचन में सर, जैसे हमारे यहाँ पहले रोटी रखने के लिए छापरे होते थे, अच्छा ऑर्डर दिया, छापरे कहते थे, चीज वही है, पहले जो विविंग होती थी सब थी, थोड़ा सा हमने इसको शुरू में फैंसी लुक दिया, मार्केट क्या होगी, अच्छा, बाजार की ओर से या लोगों की आधुनिकता की डिमांड करने से एक ऐसा मॉडल दे दिया कि हॉट केस इसको नाम दिया, रोटी रखने का छपरा, अंदर से कॉटन यूज करते हैं, इसको तीन चार मॉडल में हमने अलग अलग रखा, ये फैंसी मॉडल है अलग, है ना, ये बहुत सुंदर बनाया है। और आगे जाके फिर ये फैंसी एक दो साल बाद फिर हम इको में आ गए, अब हम भी इको कहने लगे उसको, अच्छा। शुरुआत में हमने फैंसी से शुरुआत की और इसकी लाइफ भी अच्छी खासी हो। सर, ये 20 से 25 साल तक इस देवरिंगाल की ड्यूरेबिलिटी मानी जाती है, अगर ढंग से आप 20 से 25 साल इस्तेमाल करें तो। उसी तरह से जब हम डेकोरेशन में जाएं, ये गुलदस्ते हैं, ये डेकोरेशन के आइटम हैं, ये बहुत सुंदर लग रहा है, काफी सुंदर है, ये भी स्पेशली डिमांड में बनाए हैं, अन्य लोगों की भी डिमांड है, ये गुलदस्ते हैं, कई चीजें हैं, और ये आपने पेन बॉक्स बनाए जी, ये स्टेशनरी में आता है सर, ये पेन स्टैंड है, फाइल होल्डर निकालना होगा, हाँ फाइल होल्डर, अच्छा, बड़ा महीन काम है देखा जाए, सारे काम है उसको तो लगा, अच्छा, ये डस्टबिन है, वाह, घर के यूज में या कहीं के लिए, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में लगे, फाइव होटल कई प्रकार के हैं, अच्छा, तो शुरुआत है हमारी, इसको अभी फाइनल टच देना है, इसको भी बहुत पसंद किया है बड़े मंच पे, अच्छा, जहाँ एक संभ्रांत जो श्रेणी के लोग होते हैं इसको बहुत पसंद है, कॉन्फिडेंस टाइप के लोग,
इसको, इस पे आप चेन में लगा दीजिए, सब चीज लगा दीजिए, चेन तीन चरणों पे बैठेगा, चेन वाला भी है और क्लब वाला भी है, स्टिच पूरी आधुनिकता उसमें। ये आपने नए डिजाइन बनाए जो ये इसके अंदर बल्ब आप लगा सकते हैं, ये झूमर है सर, झूमर सजावट के लिए ये बना है, इसका लेटेस्ट नमूना, डिफरेंट कलर के हम इसमें बल्ब लगाएंगे और प्लास्टिक का 100% रिप्लेसमेंट नाम दे रहे हैं हम लोग पिछले 6 साल से। अलग अलग प्रोडक्ट आपने समय के साथ साथ 153 के आसपास रेंज है सर, इसका 153 समय तो है नहीं। अच्छा, कुल मिलाकर जो उत्तरापद सेवा संस्था है वो रिंगाल से 153 प्रोडक्ट बनाती है। और मैं देख रहा था कि मार्केट भी आपका जबरदस्त है, कोई दिक्कत तो है नहीं मार्केट सर? तो अब तो एक कंप्लीट चीज ये आ चुका है कि मार्केट काफी पकड़ ली लोग, डिमांड आने लगता है कि ज्यादा महिलाओं को जोड़ना, ज्यादा बड़े पैमाने पे प्रोडक्ट्स बनाना, कुछ और नए वैरायटीज के प्रोडक्ट्स बनाना, किसी कई लोगों को लाइफ